Today we are going to learn how to write a cursive writing. Cursive writing बहुत ही important है एक सुंदर लेख के लिए. सुंदर लेख यदि कोई लिखता है तो उसका impression, प्रभाव पढ़ने वाले पर बहुत अच्छा पड़ता है. अगर बहुत सुंदर सा लेख लिखा होगा तो सभी उसको पढ़ना चाहेंगे. तो लेख हमेशा सुंदर होना चाहिए. तो कर्सिव राइटिंग हमें सुंदर लेख बनाने में हेल्प करती है. तो यहाँ मैंने कुछ कोशिश की है आपको सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से कर्सिव राइटिंग बना सकते हो. जैसे हमको फोर रूल कॉपी में हमें पहले राइटिंग सीखनी चाहिए. सबसे पहले उसका क्या है कि हमें फोर रूल कॉपी लेनी चाहिए और फोर रूल में जो फर्स्ट थ्री हैं वो कैपिटल लेटर्स के लिए यूज होती हैं और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो फोर लाइन्स में जाती हैं. फोर लाइन्स में जो जाएंगे वो कुछ लेटर्स इस तरीके से भी हैं. तो अब हम देखते जाएंगे. सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल लेटर ए. तो यहां से हम नीचे से शुरू करेंगे. ध्यान से देखो, ऐसे ऊपर को ले गए, नीचे को लाए, फिर हमने यहां पर पेन रखा और इसको ये. नेक्स्ट है हमारा बी. बी हमने फिर से दोबारा बताती हूँ. यहां से ले गए ऊपर, नीचे, इधर, फिर हमने पेन उठाया, इधर रखा, इसको ऐसे गोल करके ये. समझ में आ गया. उसके बाद बी. बी के लिए हम ऊपर से लिखेंगे. वहां हमने नीचे से लिखा था, ये ऊपर से लिखेंगे. ऐसे पीछे से ले गए, ये गोल किया, दूसरा गोल किया, फिर ये इस तरीके से. ओके. फिर है सी. सी का हमने ऐसे लाठी बनाई, ऊपर तक ले गए, फिर दोबारा वहां से वापस बैक करके ये हो गया हमारा सी. नेक्स्ट अब हमारा क्या आया, डी. अब हमारा आया क्या, डी. डी हम कैसे लिख रहे हैं, डी को हम ऊपर से लिखेंगे. देखो, ऊपर से ऐसे करके ये हमने ऐसे किया, यहां से ले गए, ये हो गया डी. फिर आया हमारा ई. ऐसे नीचे से ले गए, ऊपर गोल किया, गोल किया, ये इस तरीके से यहाँ पर छोड़ दिया. फिर है एफ. यहां से हमने रखा पेन, एक इस तरीके से डिजाइन जैसा बनाया, फिर ये यहां ले गए और यहां पर इसको काट दिया, एफ हो गया. जी हमने थर्ड लाइन से शुरू किया, ऊपर को ले गए, इस तरीके से बनाया, फिर हम इसको फर्स्ट सेकंड लाइन में ले गए, फिर नीचे ले जाके इस तरीके से करके जी. उसके बाद हमारा एच आया. तो जैसे हमने यहां पर ये लहर बनाई थी, ऐसी यहां पर भी बनाएंगे. ये लहर बनाई, नीचे को ले गए, उसके बाद हमने इधर से ऐसे करके ये बना दिया, ये हो गया. अब हम बनाएंगे आई. आई को हमने सेकंड लाइन में इस तरीके से रखेंगे. पहले पेन को ऊपर को ले गए, नीचे को लाए, ये आई हो गया. आई के बाद आता है जे. आई की तरह पहले बनाएंगे, ऐसे ही नीचे को लाएंगे, लेकिन इसको फोर्थ लाइन तक लाएंगे और इस तरीके से सेकंड लाइन पर यहाँ पर छोड़ देंगे. फिर है के. फिर जैसे हमने ऊपर यहाँ पर लहर बनाई थी एफ में, वैसे हम के में बनाएंगे. के में हमने ऐसे लहर बनाई और ऐसे नीचे को ले गए, यहाँ पर पेन उठाया फिर से, फिर इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से करके गोल घुमा के नीचे को ले गए, ऐसे किया, गोल घुमाया, नीचे को ले गए. देन एल. एल हमने सेकंड लाइन से ऊपर को ले गए, नीचे को लाए, यहां से ऊपर से ले जाके ऐसे ऊपर से ले जाएंगे, ऐसे लाए ऊपर से ले जाके, ये एल हो गया. देन एम. ये ऊपर को, फिर नीचे आए, ऊपर नीचे, एम. फिर है एन. ये ऊपर को ले गए इस तरीके से, एन. देन ओ. ओ को इस तरीके से लिखेंगे. और उसके बाद आ रहा है हमारा पी. पी हम कैसे लिख रहे हैं, ऊपर हमने फर्स्ट लाइन में रखा, फर्स्ट लाइन में, और नीचे को ले गए, फिर यहां से लेकर के ये किया, ये हो गया पी. क्यू इस तरीके से ऐसे किया हमने, पहले यहां रखा पेन, ये किया, ये यहां पर रखा, पेन उठाया, फिर ये. देन आर. आर ऊपर से नीचे को ले गए, यहां को लिखा आर. देन एस. यहां से इस तरीके से ये किया एस. देन टी.
ये हो गया टी यू, ये हो गया यू, वी ये हो गया वी, देन डब्ल्यू डब्ल्यू इस तरीके से ये हो गया डब्ल्यू, एंड एक्स ये हो गया, देखो ऐसे किया फिर ऊपर को ले गए, फिर यहां से ऐसे गोल किया फिर नीचे को ले गए, एक्स हो गया। वाई के लिए ऐसे किया हमने, फिर नीचे सेकंड थर्ड लाइन तक ले गए फिर ऊपर को किया, और जेड के लिए फिर वही हमने ऐसे लहर बनाई और ऐसे करके सेकंड लाइन में ले गए फिर थर्ड लाइन में ले जाके ऊपर को जेड हो गया। तो ये हो गए हमारे ए टू जेड। एम के बाद आया हमारा एन, स्मॉल एन, तो हम इस तरीके से ऐसे बना के ऐसे लिखेंगे, एन हो गया। इसको यहां से लेंगे ऐसे, फिर ऐसे किया ये हो गया ओ, देन यहां से ऊपर को ले गए, यहां से नीचे को लाए, फिर यहां पर ये गोल कर दिया, ये हो गया पी, इसको हमने यहां पर पी कर दिया, देन हो गया क्यू, क्यू गोल किया ऊपर को नीचे को लाए फिर ऊपर को ले गए। आर के लिए भी हमने यहां से आर, ये हो गया हमारा आर, ये एस ये हो गया इस तरीके से एस, ये बनाया ये बनाया, फिर इसको ऐसे पहले ऐसे करके सीधी लाइन खींचो फिर ऐसे करके एस लिख दो, ठीक है। टी के लिए ये हो गया, यू के लिए ऐसे लिखो, वी के लिए फिर ऐसे आ जाएगा, डब्ल्यू में ये तरीका हो गया, एक्स में ऐसे लिखेंगे दो उल्टा सी, यहां से ऊपर गोल घुमा के फिर उल्टा यहां से ले जाके ऐसे ऐसे करा, फिर यहां से उल्टा ले जाके ऐसे, देन वाई ऐसे हो गया वाई, एंड ये हो गया जेड, ओके। अब जैसे तुमने हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर को मिला के कर्सिव राइटिंग बनाई, हमने लिखा एंड। अब देखो कर्सिव राइटिंग जो होती है वो फास्ट राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और सुंदर राइटिंग के साथ फास्ट राइटिंग जल्दी जल्दी लिखना बिना पेन उठाए। अब देखो हम बिना पेन उठाए लिखेंगे, यहां से हमने शुरू किया है, देखो ये ये ये, बस हमने ए के लिए घुमाने के लिए हमको उठाना पड़ेगा पेन, ए फिर एन, फिर यहां से ऐसे किया ये किया, फिर टी खींचने के लिए उठाया पेन टी, एंड हो गया। तो फास्ट राइटिंग के लिए भी कर्सिव राइटिंग यूज की जाती है। अब बेबी लिखना है हमने, बेबी के लिए हमने ऊपर से हमने बेबी लिखना सीखा था, इस तरीके से बी लिखेंगे, फिर यहां से ऐसे करके यहां से ए बनाएंगे, फिर यहां से स्मॉल बी, फिर वहां पर से वाई हो गया, बेबी बन गया। अब हमने कैमल लिखना है, फिर लाठी बनाओ ऊपर को ले जाओ, ये किया ऐसे करके ए बनाया, देन एम देन ई देन एल, जो टू लेटर जो टू लाइंस में लेटर्स आ रहे हैं उनको टू लाइंस में लिखेंगे तभी सुंदर बनेगा, बराबर बनेगा, और जो थ्री लाइंस में आ रहे हैं उनको थ्री लाइंस में लिखेंगे। देन हमने अगर एलिफेंट लिखना है तो हमने ये किया, लाठी बनाई यहां से, ये ले गए ऊपर को, ये जैसे हमने सीख लिया है कैसे लिखना है एल ई, फिर यहां पर पी हो गया पी, फिर इस तरीके से एच, फिर ये ए, फिर ये एन, फिर ये टी, फिर पेन उठेगा टी, एलिफेंट। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ कर्सिव राइटिंग।